सब बचाव में क्या किया जा सकता है? बचाव में जैसे सिम्प्टोमेटिक बचाव जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल हाइजीन पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखें, लेकिन जो चिकित्सा है चिकित्सा में एलोपैथिक चिकित्सा में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक और उसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए वैक्सीन बोलें और उसके अलावा एंटीवायरल का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ जाए तो जो आयुर्वेद में औषधियाँ वर्णित हैं जैसे स्वर्ण पटपटी महासुदर्शन गर्भवती महासुदर्शन पात और कनकासो शीतोपलाक्षण लक्ष्मी विलास रस इनका सेवन करें। इससे इम्यून पावर भी स्ट्रांग रहेगा, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी मिलेगी और स्वर्ण पटपटी से स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगी जो कि आयुर्वेद के लिए एक ऐसी औषधि है जो एंटीवायरल जिसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कुशल चिकित्सक से परामर्श से ही औषधियों का इस्तेमाल करें। खान पान में ऐसी खान पान लें कि जिससे इम्यून पावर उसका स्ट्रांग रहे। दाल चावल सब्जी रोटी लें, सब्जियों में ऐसी सब्जी लें जैसे जूसी सब्जी लौकी तरबूज टिंडा करेला कुंदरू परवल जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है और हाई फाइबर डाइट लें जैसे सोया मेथी बथुआ पालक चने का साग मूली पत्ते चुकंदर गाजर और आंवला इसका सेवन करें और दालों में स्पेशली इजीली डाइजेस्टेबल दाल जो मूंग की दाल है छिलके वाली इसका सेवन करें और इसके बचाव में ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें और पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन रखें। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रहेगी कि कोरोना से उतनी जल्दी निजात मिलेगी। कोरोना से डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग रखें। ये न सोचें एक्स वाई जेड को कोविड हुआ और उसकी डेथ हो गई, ये भी सोचें कि बहुत सारे लोग जिंदा भी हुए हैं। अपना मनोबल कभी नहीं गिरने दें। कोरोना से क्या उपाय और क्या बचाव है? ये बचाव में तो वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, साफ सफाई रखें, गंदगी न घर में रखें न शरीर में गंदगी रखें, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे इम्यून पावर स्ट्रांग होता रहे और बचाव ही इसका इलाज है, ये करता रहे। और बाकी आयुर्वेद के मतानुसार जो आयुर्वेद में औषधियाँ वर्णित हैं जैसे स्वर्ण पटपटी और महासुदर्शन पात महासुदर्शन गणवटी, लेकिन कुशल चिकित्सक से ही परामर्श करके इसका सेवन करें।